दुल्हा दुल्हन का श्रृंगार दमक रहा है, आंखों में बेशुमार प्यार झलक रहा है, बना है ये एक अनोखा रिश्ता, फूलों की वादियों सा महक रहा है। अरे रुको रुको रुको, आपने सही वीडियो ओपन किया है। वेल, आप सोच रहे होंगे आज ये शेरो शायरी क्यों। अब हम सबका फेवरेट सीजन जो आ रहा है, अरे भाई वेडिंग सीजन आ रहा है। माना कि हर साल जितना धूम धड़ाका नहीं होगा इस साल, बट दुल्हा और दुल्हन की एक्साइटमेंट तो उतनी ही रहने वाली है। वेल, टू ऑल दोस प्रीटी एक्साइटेड ब्राइड्स, मैं समझ सकती हूँ आपकी एक्साइटमेंट। वेल, रिसेंटली मेरी शादी हुई थी और मैं कितनी एक्साइटेड थी मुझे पता है। वेल, एक्साइटमेंट तो होती है, बट साथ ही साथ थोड़ा स्ट्रेस होता है अपनी स्किन केयर को लेके। हम सब चाहते हैं टू लुक आवर बेस्ट ऑन आवर वेडिंग डे, राइट? बट हम लड़कियों के पास हमेशा एक प्रिविलेज रहता है कि हम मेकअप करके अच्छी दिख सकती हैं, बट जो नेचुरल ग्लो है ना, उसकी तो बात ही अलग है ना। तो आज का ये वीडियो उन सब ब्राइड्स के लिए है जो अपनी स्किन केयर को लेके बहुत ही स्ट्रेस्ड है, या जिनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई थी, तो मैंने अपनी स्किन केयर क्या कैसे किया था क्या नहीं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, कुछ दूसरों की गलतियों से सीखा है, क्या चीज़ें मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही, क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए, इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और आपकी सारी स्किन केयर की प्रॉब्लम्स है ना, सब दूर हो जाएगी। ट्रस्ट मी, आप ये वीडियो एंड तक देखो और आपका जो आज से लेके आपके वेडिंग डे तक का जितना भी स्किन केयर का है ना स्ट्रेस, सब खत्म हो जाएगा और सारे सॉल्यूशंस आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको और कुछ भी करना नहीं रहेगा। एंड नॉट जस्ट ब्राइड, कोई भी ये वीडियो देख सकता है और ये रूटीन फॉलो कर सकता है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है जो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और वेल, मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे दूँ, आई एम वंदना सारडा और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। वेल, प्री ब्राइडल स्किन केयर वीडियोज़ तो आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, उसमें बहुत ही बेसिक टिप्स हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल होना चाहिए, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, वर्कआउट। वेल, ये सब तो सबको पता है कि बेनिफिशियल है ही, ये तो करना ही है, बट आज इस वीडियो में ओवर एंड अबव दिस मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टिप नंबर वन। वेल, हम सबकी बड़ी कन्फ्यूजन होती है प्री ब्राइडल पार्लर ट्रीटमेंट, हम सभी कराते हैं, बट सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि कब कराना चाहिए। तो जिन लोगों ने पहले से कराया हुआ है फेशियल या क्लीनअप, आपको जो भी कराना है, जिन लोगों ने पहले कभी ये सब ट्रीटमेंट कराया है, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 20 डेज बिफोर योर वेडिंग कराएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब ये ट्रीटमेंट कराते हैं ना, हमारी स्किन को सूट नहीं होता और उसका एलर्जिक रिएक्शन होता है और हमारा फेस में पूरे स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, और ये बहुत कॉमन है, ये बहुत लोगों को होता है। इनफैक्ट मेरे ही एक रिलेटिव को हुआ था, बट लकीली उसने ये ट्रीटमेंट 1 month पहले कराया था, तो वेडिंग डे तक उसकी स्किन नॉर्मल हो गई थी। तो आपको इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि आप जो भी ट्रीटमेंट कराओ, चाहे आपने पहले कराया हो नहीं कराया हो, एटलीस्ट 20 डेज बिफोर ही ये ट्रीटमेंट कराएं, ताकि भगवान ना करे बट अगर कोई रिएक्शन भी हो तो आपके पास उतना टाइम गैप रहे उसको ठीक करने का। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। टिप नंबर 2, हम सब मूवीज में देखते हैं ब्राइड और ग्रूम बड़े आराम से बैठ के मजे कर रहे हैं और सब लोग काम कर देते हैं उनका, बट ये सिर्फ मूवीज में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको आपके बहुत सारे काम खुद को ही करने रहते हैं, चाहे शॉपिंग हो चाहे बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो, तो इतने भागदौड़ में हम अपने डाइट को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम सब कुछ एक साथ मैनेज कर सके। वेल, काम तो करना ही पड़ेगा, तो आप मेक श्योर कि आपका जो फूड हैबिट्स है ना, उसमें आप एक कुछ हेल्दी फूड इंक्लूड करें और ट्राई टू इंक्लूड प्रोटीन रिच डाइट्स, लाइक आप फ्रेश फ्रूट्स खाओ, चाहे ग्रीन वेजिटेबल्स हो, चाहे आमंड्स, वॉलनट्स या स्प्राउट्स, ये कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने अपने टाइम में एक मैजिकल ड्रिंक इंक्लूड की थी, मैं बताती हूँ वो मैजिकल ड्रिंक क्या है। मैंने रोज सुबह एक बीटरूट, एक कैरेट और एक एप्पल का स्मूदी बना के पिया था। ट्रस्ट मी, अगर आप ये ड्रिंक 1 महीना पियोगे ना, आपके फेस में बहुत अच्छा ग्लो आएगा। एंड वो बोनस टिप, आप जब भी बीटरूट वगैरह कुछ भी कट करोगे ना, तो उसका जो लेफ्ट ओवर है ना, वो अपने चिक्स पे और अपने लिप्स पे अप्लाई करो। हम सबको पता है बीटरूट बहुत अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए, तो एक काम
और डबल बेनिफिट। तो आप ये चाहो तो ये इंक्लूड कर सकते हो, और अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो आप कोई भी दूसरी हेल्दी चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके एवरी डे में एक हेल्दी फूड ज़रूर हो। नंबर 3, मेक सनस्क्रीन योर BFF। हम शॉपिंग के लिए इतनी बार बाहर जाते हैं, दूसरे काम के लिए इतनी बार बाहर जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप जितनी बार घर से बाहर निकलो आप सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करो, और ना सिर्फ फेस पे, अपने नेक पे, हैंड्स पे, बैक पे, सब जगह अच्छे से अप्लाई करना है। और एक बार नहीं, अब जितनी बार बाहर निकलोगे ना उतनी बार सनस्क्रीन अप्लाई करना है, क्योंकि वी डोंट वॉन्ट टू गेट 10 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो याद से जितनी बार घर से बाहर निकलो सनस्क्रीन ज़रूर ज़रूर लगाना है। नंबर 4, स्ट्रिक्ट नो टू एक्सपेरिमेंट टू न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट। वेल, ये टाइम पे हमको लगता है ना दैट वी वॉन्ट टू लुक आर बेस्ट, हमको बहुत ही प्रिटी दिखना है, मैं ये भी लगा लूँ, वो भी लगा लूँ, एंड अबव ऑल हमारे जो सलोन वाले हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं बहुत कुछ नया नया सजेशन देंगे, आप ये कर लो, उस केस में बहुत असर रहा था, ये लगाओ, वो लगाओ, बट इट्स अ बिग नो टू ऑल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। इस टाइम पे आप कोई भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम हर एक की स्किन टाइप अलग अलग होती है, किसी के लिए कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है बट वही प्रोडक्ट किसी दूसरे को सूट नहीं करे, ऐसा हो सकता है। तो ये टाइम नहीं है कि आप अपनी स्किन के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, तो मेक श्योर जो प्रोडक्ट आप पहले से लगाते आए हो, जो आपने पहले यूज़ किया हुआ है, आप सिर्फ वही यूज़ करो, चाहे कोई कितना भी बोले। इस टाइम पे आप कोई भी नया प्रोडक्ट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि आप ये टाइम पे कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपनी स्किन केयर को लेके। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये टाइम पे हम जब भी कुछ नया लगाए ना उसका उल्टा रिएक्शन होता है हमारे फेस पे, तो मेक श्योर कि आप कोई भी नई चीज़ अभी ट्राई नहीं करें, और जो हमेशा से आप फॉलो करते आए हैं ना वही स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। नंबर 5, वेल, जैसे कि सनबर्न इस टाइम पे हमारा बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, तो एक छोटी सी टिप है, आप रात को सोने से पहले ना एलोवेरा जेल लगाना अपने फेस पे। अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा है तो लीफ से एक्सट्रैक्ट करके जेल लगा सकते हो, वरना मार्केट में आपको बहुत सारे एलोवेरा जेल मिल जाएंगे, आप कोई सा भी लगा सकते हो। एलोवेरा जेल लगाने से आपके जो सनबर्न है वो कम हो जाएगा, आपके एक्ने रिड्यूस हो जाएंगे, और आपकी स्किन बहुत ही मॉइस्चराइज्ड और सॉफ्ट रहेगी। क्या होगी क्या? नंबर 6, क्योंकि हम इतनी बार शॉपिंग के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन होता है, उससे हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो एक नेचुरल स्किन केयर कुछ भी DIY अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करें, जो कि बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटर भी हो और उसमें विटामिन सी भी आपके स्किन को मिले, क्योंकि विटामिन सी भी बहुत अच्छा रहता है स्किन ग्लोइंग के लिए। और कोई भी एक नेचुरल एक्सफोलिएटर होगा तो आपके जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक फेस पैक बनाया था बहुत ही सिंपल, उसमें मैंने बेसन, रोज़ वाटर और थोड़े सा लेमन जूस मिक्स करके लगाती थी। ये पैक आप डेली यूज़ कर सकते हो, बेसन से हमारी स्किन बहुत ही अच्छे से, पोर्स हमारे क्लीन हो जाते हैं, और ये बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटर है तो आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्लस साथ ही साथ इसमें लेमन डाला था इसलिए विटामिन सी भी आपके फेस को मिलेगी, तो इससे कोई हार्म भी नहीं होता है, और ये एक्चुअली बहुत ही इफेक्टिव है, और ये आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, तो इसका कोई रिएक्शन भी नहीं है और इसके बेनिफिट भी मिलेंगे। तो आप अगर 1 month तक ये कंटिन्यू करोगे तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको। नंबर 7, वेल, क्लीन योर फेस रेगुलरली। अब एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आपके फेस को अच्छे से क्लीन नहीं किया, आप कितने भी टायर्ड हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगेन वही, बाहर जाना, पोल्यूशन, सनबर्न एंड ऑल, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ध्यान देना है। और क्लीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फेस वॉश करके सो जाओ, आपके नाइट स्किन केयर रूटीन में ये होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा क्लेंजिंग मिल्क से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करो, उसके बाद एक अच्छा माइल्ड टोनर यूज़ करो, और बहुत अच्छे से अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा फेस रेगुलरली क्लीन रहना भी बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइज रहना भी बहुत ज़रूरी है, और टोनर रहेगा तो आपके फेस स्किन टाइट रहेगी, पोर्स रिडक्शन होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं एक वीडियो आगे अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोग कैसे क्लीनिंग, टोनर एंड मॉइस्चराइज कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
नंबर 8, हम सबको पता है हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी रहती है. ऑफ कोर्स रहती भी है, बट क्या ये पता है कि हल्दी लगा के हमको सनलाइट में नहीं जाना होता है, क्योंकि हल्दी में इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, ये नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो उसका रिवर्स इफेक्ट होता है अगर हम हल्दी लगा के सनलाइट में जाएं. तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. अगर आप कोई भी फेस पैक लगा रहे हो जिसमें हल्दी है, तो मेक श्योर कि आप वो इवनिंग टाइम पे अप्लाई करो, और नेक्स्ट डे जब भी आप घर से बाहर निकलो उससे अच्छे से पहले सनस्क्रीन लगाना. ये तो मैंने आपको पहले ही बोला है. तो हल्दी हमेशा इवनिंग टाइम में ही लगाना, ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तो फॉर्स ध्यान देना इस बात पे. नंबर 9, अवॉइड शुगर. नॉट ओनली फ्रॉम फैट्स पर्सपेक्टिव, बट इट ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू योर स्किन. वेल यस, शुगर से हमारी स्किन भी खराब होती है. शुगर में इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज रहती है विच ब्रेक डाउन कोलेजन एंड इट ऑल्सो कॉजेज एक्ने. तो फिट रहने के परस्पेक्टिव से तो है ही, बट स्किन डैमेज से बचने के लिए भी मेक श्योर दैट आपका शुगर इनटेक बहुत ही कम हो. नंबर 10, टर्मरिक मिल्क. वेल, हम सबको पता है हल्दी हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है. तो आप रोज रात सोने से पहले दूध में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके पिए, और अगर दूध में नहीं तो आप गर्म पानी में भी हल्दी मिक्स करके पी सकते हो. हल्दी से हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है, और उससे हमारे पिंपल्स और एक्ने रिड्यूस होते हैं, और साथ ही साथ हमारा फेस भी बहुत ग्लोइंग होता है. और ये तो स्किन पर्सपेक्टिव वाले बेनिफिट्स तो है ही, बट हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि इस टाइम पे हमें कोल्ड कफ फीवर हो. उससे हम बहुत ही पेल दिखते हैं, और ऑब्वियसली हमारे काम में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है. तो हल्दी हमें इन सब चीज़ों से भी बचाएगा, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है. तो ये सब ज़रूर ट्राई करें, एंड आई जस्ट होप कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा, बहुत ही हेल्पफुल रहा ये वीडियो. एंड इन रिटर्न आप भी चाहे तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.